कादर एकेडमी ऑफ म्यूजिक की ओर से गुलदस्ता एक गजल का कार्यक्रम मरहूम मोहम्मद रफी साहब कल्चरल हॉल में किया गया था। इस मौके पर भारतवर्ष से सुप्रसिद्ध गजल प्रेमी खास तौर पर मौजूद थे। नागपुर के सुप्रसिद्ध ख्यातनाम पार्श्व गायक एम ए कादर एकेडमी ऑफ म्यूजिक की ओर से एकेडमी के विद्यार्थियों के लिए गुलदस्ता एक गजल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नागपुर के सेंट्रल एवेन्यू स्थित मरहूम मोहम्मद रफी साहब कल्चरल हॉल में गुलदस्ता एक गजल प्रोग्राम सुनने के लिए दर्शक बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई थी। प्रोग्राम में उपस्थित अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ए मालिक तेरे बंदे हम से की गई। मंच पर विद्यार्थियों ने अलग अलग गजल की पेशकश की। मंच पर एक से बढ़कर एक गजलों की प्रस्तुति विद्यार्थी दे रहे थे, तो वही दर्शक भी जोरदार तालियों से उनका हौसला अफजाई करते थे। कार्यक्रम का यह संचालन डॉक्टर कुनावार मैडम ने किया। दर्शकों, इस समय में इनबीसीएन की टीम है एक मोहम्मद रफी कल्चरल हॉल में, जहां कादर एकेडमी यहां पे ली जाती है और कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो यहां पे संगीत पढ़ने के लिए आते हैं। और आज का ये दिन उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सबसे बड़ा एक निराला और प्यारा दिन है, क्योंकि आज वे सब विद्यार्थी गजल गाने वाले हैं। इस समय में हमारे साथ में शहर की जानी मानी आन बान शान के आर चौरसिया साहब, जो बतौर बेहतरीन सूत्र संचालन करते वे हमारे साथ मौजूद है। ठीक इसी प्रकार से एम ए कादर साहब मौजूद है, जिनत कादर मैम हमारे साथ मौजूद है। इतने नहीं तो इस भारतवर्ष के बेहतरीन उद्घोषक किशन शर्मा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, भरत मेहता जी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे के आर चौरसिया साहब के साथ। चौरसिया साहब, ये बताइए कि कितना महत्वपूर्ण होता है इस प्रोग्राम का होस्ट करना। बात सही है आपकी, लेकिन आप इसको करते हैं ये बहुत बड़ी खूबी है। इतना कर देना ये मामूली बात नहीं है, और कादर साहब के साथ हैं तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और होगा अच्छा ही होगा। धन्यवाद। बिल्कुल, जो भी होगा अच्छा होगा। इस प्रकार के इन्होंने आशीष आज के इस प्रोग्राम के जरिए क्यों न हो दिए हैं। अब हम सीधा रुक करने चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में एम ए कादर साहब है। कादर साहब, ये बताइए कि आप वर्ष में ऐसे दो तीन प्रोग्राम विद्यार्थियों के लिए लेते हैं, क्या कहना चाहोगे, कैसा विद्यार्थियों का परफॉर्मेंस? आज विद्यार्थी जो गजल गाना चाहते हैं, क्या उनके लिए क्या मेहनत ली थी आपने? असल में हम लोग हमेशा कोशिश ये करते हैं कि अलग अलग तरह के प्रोग्राम हम लोग विद्यार्थियों के लिए करें। इसके पहले भी फिल्मी गीतों का किया था, फिर हमारे दिमाग में एक प्रोजेक्ट चल रहा था कि कम से कम गज़लों का एक प्रोग्राम रखा जाए। तो आज जो प्रोग्राम रखा गया है प्राइवेट एंड फिल्मी गज़ल्स का, और कोशिश किया है हमने, तमाम जो जितने भी टैलेंट्स हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं, अभी आप देखेंगे सुनेंगे उनको। और उन टैलेंट्स में मैं तो समझता हूँ कि आप भी इसमें शामिल हैं, आप भी आज परफॉर्म करने वाले हैं, तो आपको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बस ऐसे ही सिलसिला चलते रहेगा, अलग अलग हम तरह के प्रोग्राम करते रहें हमेशा। आज खासतौर पर यह देखा गया कि जो विद्यार्थी है उनमें काफ़ी उत्साह दिखा है, और उन विद्यार्थियों को एम ए कादर साहब हो या जीनत मैम हो या अक्सर पढ़ाते रहते हैं। मैम, क्या कहना चाहूँगी, आज आपके विद्यार्थियों के लिए कितना ये टफ होने वाला है? नहीं, कोई टफ की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग नए जो है अभी टैलेंट्स उनके पीछे करते तो हैं, लेकिन वो भी करते हैं मेहनत, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, और हम उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि उनका हौसला बढ़े, उनकी हिम्मत अफजाई हो। जब वो लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे तो नेचुरली उनका हौसला बढ़ेगा, और हम इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि बस वो आ गया है। कोशिश के ऊपर से मैं यही कहना चाहूँगा कि यूँ ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन गाना गाना अपने आप में एक बड़ी बात है, म्यूजिक बजाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन इन सबको जो बैलेंस करने वाली जो चीज़ें होती है वो होती है सूत्र संचालन। जी हाँ, और मैं ऐसे एक शख्सियत की तरफ आज जाने उनके पास जा रहा हूँ, जिनका नाम है किशन शर्मा साहब, जिन्होंने कई वर्षों से पाँच दशक से भी ज़्यादा इन्होंने आज तक इस समाज की, देश की, राज्य की सेवा की है, दर्शकों को खूब लुभाया अपने मधुर वाणी से। हमारे साथ मौजूद है शर्मा साहब, एक ही सवाल कि आज गायक बनते हैं, म्यूजिशियन बनते हैं, लेकिन सूत्र संचालन करने वाले नहीं बनते, कि इसके लिए क्या पहल होना चाहिए? सही बात तो यह है कि सूत्र संचालन वाले भी बहुत बन रहे हैं, लेकिन जैसे कादर एकेडमी यहाँ चल रही है गायकों को ट्रेनिंग देने की, वैसे
अनाउंसर्स के लिए कोई एकेडमी नहीं बनी है, इसलिए हर आदमी अपने आप में मास्टर बन रहा है। अगर उसकी भी एक एकेडमी शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि वो भी एक सिलसिला शुरू होगा। और आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो नए गायक आ रहे हैं उनकी परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा एम ए कादर और जीनत कादर की है कि इन्होंने कैसा सिखाया। वो लोग वास्तव में देखेंगे और उसकी प्रशंसा होगी। यही मेरी शुभकामनाएं हैं सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे वरिष्ठ एंकर उद्घोषक किशन शर्मा साहब, लेकिन इनके नक्शे कदम पे कदम रखते हुए कुछ ऐसे भी हमारे शहर के होनहार ऐसे सूत्र संचालन करने वाले में से एक नाम तो जरूर आता है और वह है डॉक्टर कुन्नावार मैम। मैम ये बताइए कि कैसा लग रहा है आज? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे इस गज़ल के प्रोग्राम की का सूत्र संचालन करने को मिला है, और मैं गज़ल में काफ़ी इंटरेस्ट रखती हूँ, और जब कोई काम हमें पसंद आता है और वो हमें मिलता है तो हमें बहुत ज़ायज़ खुशी होती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ जीमत भाभी की, कादर साहब की, कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया। नहीं तो आजकल कोई मौका नहीं देता, स्टेज नहीं देता, लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं आपको देती हूँ। बिल्कुल, तो गुलदस्ता एक गज़ल इस प्रोग्राम के लिए तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हर किसी ने आज के इस प्रोग्राम को उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आशीष भी दिए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि संगीत है स्वर नाम की, हर नाम में बसे है शाम, रागी को मिले रागिनी और रोगी को मिले आराम। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मेरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।